हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम झारखंड एकेडमी काउंसिल जैक बोर्ड क्लास 11 का कंप्यूटर साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की को बताऊंगा मैं। इससे पहले अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी का आंसर की बता दिया गया है, आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड था तो इसके कारण कंप्यूटर साइंस का आंसर की लाया हूँ। इसके तुरंत बाद ही मैं बाकी सारे सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी हो गया, ETP हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया और CA हो गया, उन सारे का आंसर की अपलोड कर दूंगा। कल ही आंसर की अपलोड कर देता लेकिन मेरा तबीयत कल से बहुत ज़्यादा खराब है जिसके वजह से मैं आंसर की अपलोड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट्स का आंसर की आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और इस वीडियो के तुरंत बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ आप लोगों को टर्म 1 तो कंप्लीट हो गया है अब, तो जो आप लोगों का जो टर्म 2 होगा उस टर्म 2 का सिलेबस का एक वीडियो बना देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो वीडियो होगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि टर्म 2 में एग्जैक्ट आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट्स में कौन कौन सा चैप्टर कितना कितना पढ़ना है। तो मैं कंप्लीट सिलेबस का वीडियो इसके तुरंत बाद जो है मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर देखना, कोई भी डाउट होगा तो मुझसे कमेंट जरूर करना, और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम में फॉलो करने से बेनिफिट ये होगा कि अगर आप लोगों को 11th और 12th में कभी भी किसी भी तरीके का स्टडी में प्रॉब्लम होगा, आप लोगों को मुझसे कुछ भी हेल्प चाहिए, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ने मुझे फॉलो किया है और मुझे मैसेज करते हैं और उनसे मेरी बातचीत होते रहती है। तो अगर आप भी एजुकेशन से रिलेटेड, अपने पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बात मुझसे पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके स्टडीज से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यह है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में ये बोला गया था इन्फॉर्मेशन इज, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा इन्फॉर्मेशन होता है एक मीनिंगफुल डेटा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, एक मीनिंगफुल डेटा होता है, तो 1 का आंसर होगा आपका 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे बोला गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। इसका फुल फॉर्म आप सभी को पता है, CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन ना तो ये ऑप्शन ए पे है, ना ही ऑप्शन 2 पे है और ना ही ऑप्शन 3 पे है। CPU का जो रियल फुल फॉर्म होता है वो यहाँ नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ से नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो 2 का आंसर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला गया है मेमोरी इज मेजर्ड बाय विच यूनिट। जो एक कंप्यूटर का मेमोरी होता है उस मेमोरी को किससे हम लोग मेजर करते हैं, तो मेमोरी का यूनिट को हम लोग मेजर करते हैं आपको बाइट से। किससे मेजर करते हैं जी, बाइट से, ठीक है। तो 3 का आंसर होगा 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला गया है चूज ओड वन ऑफ द फॉलोइंग, इन चारों में से जो एक विषम है उसको चुनना है। तो देखो एक चीज़ पहले समझ लो, ये जो स्पीड है मान लो, एक्यूरेसी है और वर्सिलिटी है, ये कंप्यूटर के फीचर्स को डिनोट करता है, लेकिन ये जो IQ जो 0 है ना, ये कंप्यूटर के फीचर्स को डिनोट नहीं करता है, ठीक है। तो हमको बोलना था कि कौन इन चारों में से कौन है जो अलग है, तो अलग है आपका IQ 0, ठीक है। तो 1 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, 4 का आंसर होगा ऑप्शन 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे बोला गया है BIOS इज एन एग्जाम्पल ऑफ, BIOS जो है वो किस तरीके का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन ए पे बोला गया इंग्लिश प्रोग्राम है, नहीं प्री रिटन प्रोग्राम है, नहीं लाइव वेयर है, नहीं कुछ नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे बोला गया है द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टैंडर्ड विद द फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन कोल्ड। बोला गया सबसे पहला जो कंप्यूटर मशीन बना था, इवोल्यूएट हुआ था, उस कंप्यूटर मशीन का नाम क्या है, तो ये आप सबको पता होगा कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था एबेकस, ठीक है। ठीक है, तो 6 का आंसर होगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे बोला गया है द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज .. फॉर इंटरनल ऑपरेशन। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हुआ था, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ था, तो 7 का आंसर होगा 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे बोला गया है एनालॉग कंप्यूटर टेक इनपुट इन द फॉर्म ऑफ। एक जो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो किस तरीके से इनपुट को एक्सेप्ट करता है, तो एनालॉग कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है आपका डिजिट्स 0 और 1। एनालॉग कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 यानी बाइनरी डिजिट को समझता है, तो 8 का आंसर होगा 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे बोला गया है PDP-11 VEX 7500 MAGNUMR किस तरीके का कंप्यूटर है, तो ये एक हम लोगों का ये एक मिनी कंप्यूटर है, ठीक है। तो 9 का आंसर होगा 2।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन तीनों में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये जो मेरा वर्ड प्रोसेसिंग है ये कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है बोल रहा है ना, तो इसका राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन 3। ठीक है, 9 का आंसर होगा 3, सॉरी 10 का आंसर होगा 3। 11 बोला गया है विंडोज विस्टा इज ए डॉट 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 ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो विस्टा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तो पता है, लेकिन किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डोस जो होता है, डोस ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन विंडो विस्टा जो है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे ये तो सबको पता ही होगा, डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। 12 का आंसर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बोला गया है देखो, बोला गया है 13 पे टू डेवलप ए गुड प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइंस शुड बी फॉलो। एक अगर आप एक अच्छा प्रोग्राम को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको कौन सा गाइडलाइन फॉलो करना होगा, तो इन सारे चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा। तो 13 का आंसर होगा आपका 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बोला गया है डॉट 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 इज ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट डाटा वैल्यू इन टेबुलर फॉर्म। इन चारों में से कौन जो है जो डाटा को टेबुलर फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेड शीट। 14 का आंसर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बोला गया है इंटरप्रेटर इज यूज टू ट्रांसलेट डॉट 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 लैंग्वेज। इंटरप्रेटर जो होता है वो किस तरीके के लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो 15 का आंसर होगा 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 पे बोला गया है डॉट 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 इज ए पिक्टोरिकल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है फ्लो चार्ट। ठीक है, 16 का आंसर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बोला गया है राइनोबस सिंबल इज यूज टू फ्लो चार्ट टू इंडिकेट। किस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए बनाया जाता है, तो ये डिसीजन को इंडिकेट करने के लिए बनाया जाता है। तो 17 का आंसर होगा 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कंपाइल्स टाइम एरर इज, किस तरीके का एरर होता है, तो कंपाइल्स टाइम जो एरर होता है वो हमारा एक सेंटेक्स एरर होता है, सेंटेक्स एरर होता है। तो 18 का आंसर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बोला गया है रन टाइम एरर अकर्स ड्यूरिंग द, रन टाइम एरर जो होता है वो क्या होता है, तो रन टाइम एरर एक्स एग्जेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम होता है। तो 19 का आंसर होगा 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज बेस्ड, डेसिमल नंबर सिस्टम किस पे बेस्ड होता है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम बेस्ड होता है आपका 10 पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। बोला गया है 207 इज डेसिमल इज डॉट 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 इज ऑक्टा। अगर 207 को जब हम डेसिमल में बदले एक ऑक्टा में बदलेंगे, 207 एक डेसिमल है, जब इसको ऑक्टा में बदलेंगे तो कितना मिलेगा, तो ये मेरा आएगा 317 आएगा। ठीक है, तो 21 का आंसर 2। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पे। 714 इज ऑक्टा इज, 714 ऑक्टा को जब हम बदलेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 460 आएगा। तो 22 का आंसर होगा 1, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ़ कीजिएगा, 22 है ना, 22 का आंसर इसको बदलेंगे, हाँ ठीक है ठीक है, 22 का आंसर होगा 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। सी प्लस प्लस इज एन लैंग्वेज ऑफ, सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो 23 का आंसर होगा 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट हैव डॉट 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 फंक्शन, कौन सा फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है। ठीक है, और 25 नंबर। बोला गया है सी प्लस प्लस इज डेवलप्ड, सी प्लस प्लस इज डेवलपर, हु इज द डेवलपर ऑफ सी प्लस प्लस, तो आपको पता है, तो इसका राइट आंसर होगा 25 का आंसर होगा 4। ये तो सबको पता होगा ही। 26 का आंसर बोला द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन, एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट टोकन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। ए इज द एग्जाम्पल ऑफ, ए किस तरीके का एग्जाम्पल होता है, तो ए एग्जाम्पल है कैरेक्टर रिटेलर का। तो 27 का आंसर होगा आपका 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। रुक जाओ, ये क्या हो गया भाई। 28 नंबर पे बोला गया है क्वेश्चन पे सी प्लस प्रोग्राम टी इज यूज फॉर, सी प्लस प्लस प्रोग्राम में जो टी होता है, टी किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, तो हॉरिजेंटल टेप के लिए। 28 का आंसर होगा 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। बोला गया है डाटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन इज कॉल्ड, उसको बोला जाता है आपका लिटेरल्स बोला जाता है। 29 का आंसर 3 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। बोला गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट आपको चुनने बोला है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, कीबोर्ड आर द रिजर्व्ड वर्ड। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन का सेट होता है ऑप्शन थ्री, ये लॉजिकल ऑपरेशन होता है। ठीक है, चलो 31 का आंसर हो गया थ्री। आते हैं 32 पे। 32 नंबर पे बोला गया है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स रिप्रेजेंट बाय प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। प्लस प्लस का मतलब होता है इंक्रीमेंट, माइनस माइनस का मतलब होता है डिक्रीमेंट। तो 32 का आंसर वन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। बोला गया है मल्टीपल यूज ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन ए सिंगल स्टेटमेंट इज कॉल्ड। अगर सिंगल स्टेटमेंट पे मल्टी ऑपरेशन यूज करते हैं तो वो मेरे लिए कैस्केडिंग कहलाता है। तो 33 का आंसर होगा आपका थ्री नंबर। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर पे। ये 34 नंबर का मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आप लोग को, कैलकुलेट किया था मैंने, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन टू। ठीक है, कैसे आया ये अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो 34 का आंसर होगा टू। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर पे। इन विच फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन ऑफ सी प्लस प्लस। तो एक एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन होता है ये, जो आपका ये डबल आगे जाता है। ठीक है, तो 35 का आंसर होगा फोर। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। ए निबल इज ए ग्रुप ऑफ डॉट 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 बाइट्स। एक निबल पे कितना बाइट्स होता है? तो एक निबल पे 4 बीट्स होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले साल का। ठीक है, आगे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? एमएस डोस है, बिल्कुल है, यूनिएक्स है, बिल्कुल है। तो इसका राइट आंसर होगा ए एन बी दोनों। तो 37 का आंसर होगा थ्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 पे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो 38 का आंसर होगा टू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। बोला गया है द ए एस सी आई आई वैल्यू ऑफ डी। डी का कौन सा वैल्यू होता है? तो डी का वैल्यू होता है आपका 100। ठीक है, ए बी सी डी 96 से स्टार्ट रहता है, 96 ए होता है, 97 आपका टू होता है, मतलब बी होता है, सी होगा 97 से स्टार्ट रहता है, 97, 98, 99 और 100, ए बी सी डी, इसी तरह से ये आगे बढ़ता है। तो 39 का आंसर होगा थ्री। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे बोला गया है इन सी प्लस प्लस सीन एंड काउंट आर प्री डिफाइंड एज। इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? तो इसको ऑब्जेक्टिव के रूप में जाना जाता है। तो आई होप वीडियो पसंद आई है, लाइक करें जरूर वीडियो के, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना कितना सही हुआ। इसके तुरंत बाद आप लोग कौन सा सब्जेक्ट्स का आंसर की चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका आंसर की आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। और सिलेबस अगर आप चाहते हैं कि टर्म टू का सिलेबस अपलोड कर दूँ तो कमेंट करके बोलिएगा, मैं टर्म टू का सिलेबस भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।